नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक अगर आप सीएससी के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनाने का काम करते होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि उस पर हैवी ट्रैफिक वाला एक एरर आता है, जिसके कारण से कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। और काफ़ी वीएलई भाई हमारे जो कार्ड बनाने का काम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, उसके ऊपर हमने पिछले आने वाले दिनों में कई सारे वीडियो डाले, जिसमें हमने बताया कि कैसे आप मोबाइल के माध्यम से इस एरर को बाईपास करके कार्ड बना सकते हैं, और साथ ही अपने कंप्यूटर की कुकीज़ और ब्राउज़र की कुकीज़ वगैरह डिलीट करके कैसे आप कार्ड बना सकते हैं। लेकिन ये तरीके जो है काफ़ी वीएलईज़ के लिए काम करते थे, कुछ के लिए नहीं करते थे। तो ऐसे में काफ़ी वीएलईज़ को परेशानी होती थी कि सारे तरीके अपनाने के बाद वो ई श्रम कार्ड वगैरह नहीं बना पाते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि सीएससी एंड लेबर मिनिस्ट्री के जरिए से जो है मिल के एक काम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब आने वाली ये जो समस्या हैवी ट्रैफिक वाली सीएससी वीएलई को नहीं आएगी जब भी वो कार्ड बनाएंगे। उसके ऊपर क्या अपडेट है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रजिस्ट्रेशन के बीच में, क्योंकि बहुत सारी जो सीएससी आईडी ब्लॉक की जा रही हैं इस सर्म के भीतर, जो गलतियां हो रही हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। और साथ ही साथ आप सभी को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि अब ये जो ई श्रम कार्ड है, इसको जो है बहुत सारी सरकारी योजनाओं के साथ में जोड़ा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो होती है, मानधन स्कीम हो गई, दुर्घटना बीमा योजना हो गई, और फोर्थ स्टेज में आयुष्मान भारत वाला जो कार्ड बनता है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए भी इसको कंसिडर करने के बारे में गवर्नमेंट विचार कर रही है, जैसा कि उन्होंने अपने लाइव वर्कशॉप में बताया है। सीएससी और मिनिस्ट्री का जो भी लाइव वर्कशॉप था, उसको कैसे ज्वाइन करोगे, किस तरीके से इसमें आपको काम करना है, उसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग बना रखी है कि क्या इसका विजन है और किस तरीके से इसके भीतर काम किया जा रहा है और क्या आने वाले समय में इसके माध्यम से किया जाएगा। इट इज अ बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है, उसका लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पर भी जाके आप उसको अटेंड कर सकते हैं। उसको जरूर देखिएगा अगर आप एक सीएससी वीएलई और ई श्रम कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को चैनल बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप अपने प्ले स्टोर से जाके वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया, कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है और वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ई श्रम कार्ड बनाते समय सीएससी के माध्यम से जब आप कार्ड बनाते थे तो वहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक वाला एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो सभी को पता होगा कि जब ये ट्रैफिक वाला एरर आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट है उसका जो सर्वर है वहाँ पे कम यूजर्स को एक्सेस करने की एक्सेस है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जिसके कारण ये एरर आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मिनिस्ट्री ने बताया कि इन्होंने जब नया पोर्टल बनाया तो उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग एक साथ आके इस कार्ड को बनवाने के लिए आएंगे। उनका सोचना था कि 1-2 लाख लोग आएंगे पर डे, इस हिसाब से एनआईसी ने मिलकर ये कार्ड बनाने की जो ई श्रम कार्ड वाला पोर्टल है वो पोर्टल तैयार किया था। लेकिन दोस्तों, पोर्टल लॉन्च करते ही 10-12 लाख लोग लगातार उस पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण ये पोर्टल पूरी तरीके से क्रैश हो रहा था, जिसके कारण कुछ दिनों तक सीएससी वीएलई का लॉगिन भी बंद रहा है, सीएससी वीएलई के माध्यम से कार्ड नहीं बन पा रहा था। क्योंकि दोस्तों, अभी तक जितना भी कार्ड बना हुआ है उसमें 75% जो कार्ड है वो सीएससी वीएलई के माध्यम से ही बनाया गया है, और ऐसे में आज भी जितने कार्ड बनने की कोशिश हो रही है, जितने बन रहे हैं उसमें से लगभग 75% कार्ड जो है सीएससी वीएलई के माध्यम से ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों, गवर्नमेंट के साथ में सीएससी का जो बातचीत हुआ है उसका लाइव मैं ट्रेनिंग में अभी वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें आप देख सकते हो क्लियरली उन्होंने एग्री किया है। जैसे कि आज ही मैं कुछ बैंक अकाउंट का डिटेल का कुछ वेरिफिकेशन कर रहा था तो मैंने पाया कि उसमें 0000001 डाल दिया गया है। ये एक बहुत मतलब ये जितना वीएलई हम देखते हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे जीएस साहब जब देखते हैं, जब मैं उनके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ रात में नाइट कैंप का, तो दे एक्चुअली अप्रिशिएट कि हाँ वीएलई लोग वाकई कितना मेहनत का काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की छोटी छोटी चीजें आती हैं कि जिसमें 00 अकाउंट नंबर आ जाता है या एक ही मोबाइल नंबर पे 400-500 लोगों को रजिस्टर कर देते हैं, तो तब थोड़ा सा कहीं लगता है कि उसमें से, मैं समझ सकता हूँ एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक सीप, एक दो लोग हो सकते हैं, लेकिन अब 1-2 लोगों की वजह से जब हम बात करते हैं तो थोड़ा हमारा पूरा जो सीएससी का वीएलई का परिवार है उनके ऊपर भी जाता है। इसके बाद आपने देखा, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने नाइट कैंप भी किया है, लेकिन वो करने पड़े हैं आपको क्योंकि कैपेसिटी, हमारी स्पीड या ट्रैफिक जो भी बोलिए, इतनी जनता वहाँ पे उमड़ पड़ी है, आपके सीएससी में उमड़ी है, इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म जनता को मिल रहा है और जनता का विश्वास गवर्नमेंट के साथ है, तो ये नेचुरली ये बनता है कि पब्लिक अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके सामने खड़ी है। अब आप उसको कैसे मैनेज करें, आपके आसपास के लोग हैं, थोड़ा सा उनको समझाएं बुझाएं कि भाई इस पे बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ट्रैफिक हो रही है, आप कल आइए या शाम को आइए, तो
तो इस तरह से मैनेज करें, नाइट कैंप भी लगाएं ताकि वो दिन का समय अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो रात में भी करें। आप लोग कर रहे हैं, कुछ फोटो हमको मिली है इस तरह की जो कि आप हमारे देश के लिए और सबके लिए अच्छी है। यहाँ पर जहां तक कैपेसिटी की बात है, अभी आप लोगों की यही शिकायत होगी, यही कंप्लेंट है कि भाई बहुत स्लो काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत स्लो काम कर रहा है, हमने जो यहाँ पर हमारे NIC की टीम ने बनाई थी जब, तो उसमें ये सोचा गया था कि दिन में करीब 4 से 5 लाख पूरे देश में रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब वो 25 लाख लोग जमा हो रहे हैं, 30 लाख लोग जमा हो रहे हैं, तो नेचुरली स्पीड तो कम हो जाएगी। और स्पीड कम होने के साथ साथ हमने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है, इस समय 10 से 12 लाख पर डे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कल भी हमने 13 लाख पर डे किए, जिसमें कि CSC ने 75% CSC के द्वारा हो रहे हैं और 25% लोग अपना खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें कि हम यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं जनता की बेहद मांग पर, जितनी मांग बढ़ती जाएगी उतना ही हम कैपेसिटी बढ़ा करके इसको करीब 25 लाख प्रतिदिन 25 लाख पर डे रजिस्ट्रेशन के लेवल पर बहुत जल्दी ले जाएंगे। 7 से 10 दिन के अंदर आप लोगों को इसमें महसूस होगा कि आपकी स्पीड बढ़ गई है, डबल हो गई है। CSC ने भी एग्री किया है और मिनिस्ट्री के लोगों ने भी एग्री किया है कि उनके पोर्टल पे कमी है और अभी मौजूदा हालत में 4 से 5 लाख लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, इतनी उसकी कैपेसिटी है। लेकिन वीएलईज के उत्साह को देते हुए, रात में जो कैंप कर रहे हैं और बड़ी मेहनत करके कार्ड वगैरह बना रहे हैं, इसको देखते हुए गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही लगभग 10 दिन के भीतर पोर्टल पर 20 से 25 लाख लोगों के एक्सेस करने की व्यवस्था कर रही है कि एक साथ सारे लोग कार्ड बना पाएंगे। तो ये हो जाने के बाद दोस्तों, फिर ये ईश्रम पे हैवी ट्रैफिक वाला एरर किसी भी वीएलई को नहीं आएगा। तब तक के लिए आप सभी अपनी कमर कस के तैयारी कर लीजिए और अपने आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA वगैरह, उनको भी शामिल करके, उनको इन्वाइट करके कैंप वगैरह करिए, जिससे आपके यहाँ पे लोगों की एक तो भीड़ आएगी और साथ ही साथ में आपकी भी थोड़ी जान पहचान होगी। सबको मिला के चलेंगे तो आपके काम में बहुत आसानी होगी और आप भी दिन में 100, 200, 500 बनाएंगे तो बहुत अच्छा खासा आपका मुनाफा होगा, क्योंकि 100 कार्ड बनाने पे समथिंग 1500 रुपए का आपको आमदनी हो जाएगा और जब वेबसाइट अच्छे से चलेगा तो आपको 100 कार्ड बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये जान के बहुत अच्छा लगा होगा कि CSU और गवर्नमेंट मिलकर आप सभी वीएलई भाइयों के लिए कुछ समाधान कर रही है। हम सभी वीएलई भाई जो मेहनत करते हैं उस पर ध्यान देकर पोर्टल पर सुधार कर रही है। हालांकि ये पोर्टल पर सुधार पहले हो जाता तो काफ़ी वीएलई भाइयों को बहुत और असुविधा नहीं होती, लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए अब हो रहा है। तो इसके लिए आप सभी का क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों जरूर पूछिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।